दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। तो गाइस आप लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई दुबई में जेसीबी ऑपरेटर पोकलेन ऑपरेटर की सैलरी कितना है उसके बारे में बताइए। तो गाइस आज आप लोगों को दिखाऊंगा भी और सैलरी के बारे में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं लाइन से जेसीबी खड़ा है, पोकलेन है, कैट है, स्कूल का बस है, ठीक है, सामने आपको दिख रहा होगा। तो गाइस अभी जो सामने जेसीबी लगी हुई हैं ये पूरा रिपेयरिंग हो रही है, ठीक है, इसमें थोड़ा मोड़ा मेंटेनेंस का काम हो रहा है। अभी मैं ड्राइवर लोगों से बात किया, वे लोग साथ में वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, इसके लिए नहीं साथ में बना रहा हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ऐसे लाइन से जेसीबी खड़ी होती है और यहीं पे रिपेयरिंग होती है और यहीं से काम पे भी जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर टाइप की जेसीबी है, छोटी से लेकर के बड़ी तक है। आपको सामने स्कूल का बस दिख रहा होगा, उसके आगे आपको कंपनी का बस दिख रहा होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। मैं वीडियो बनाने के लिए आज इंडस्ट्रियल एरिया में आया हूं और आप सामने देख सकते हैं एक फॉर्कलिफ्ट भी खड़ा है, ठीक है। तो इधर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत ही अच्छा काम है। अगर आप लोग अपने देश में, चाहे पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, इंडिया से हैं, अगर आप लोग ये काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर है, ठीक है। बट काम सीखने के साथ साथ आपको यहाँ पे आने के बाद लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। जब तक आपके पास यूएई का लाइसेंस नहीं रहेगा तब तक आप यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। सामने आपको डंपर भी दिख रहा होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। और ये जो आपको पेड़ दिख रहा होगा ये दुबई में सबसे ज़्यादा मिलता है, जो कि इसको पानी की जरूरत नहीं होती है, ये रंबल में ही पूरा हरा भरा रहता है। इसमें आपको पूरा कांटेला दिख रहा होगा, पूरा कांटा है, ठीक है। और ये जब गाड़ी आ रही है तो गाइस ये ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी है, जो फोर व्हीलर लोग सीखना चाहते हैं वो लोग इसी गाड़ी में सीखते हैं, ठीक है। तो आज छुट्टी का दिन है, इसके लिए पूरा लाइन से जेसीबी खड़ा है, नहीं तो जेसीबी देखने को नहीं मिलता इस समय, क्योंकि पूरा काम पे चली जाती है। तो अभी छुट्टी का टाइम है, इसके लिए पूरा लाइन से जेसीबी लगी हुई है, ठीक है। अपने गाँव में लोग इस जेसीबी को, जो सामने कैट लिखा दिख रहा है, इस जेसीबी को चैनल वाले जेसीबी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस एक कैट है, पोकलेन है, तो बहुत ही अच्छा काम है, अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आपके लिए बेटर है। तो सैलरी की बात करें तो अभी मैं ड्राइवर लोगों से बात किया, तो गाइस जो लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले हैं, यानी कि जिनके पास 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है यूएई का, उनकी जो अभी के टाइम में सैलरी है वो 3500 है, ठीक है, यानी कि 5 साल हो गया काम करते हुए और 3500 दरम सैलरी है। तो मैं पूछा इनसे कि अगर आप कोई स्टार्टिंग में आता है, फ्रेशर है, तो उसको कितना मिलेगा। तो गाइस उन्होंने बताया कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी कंपनी 2000 देती है, कोई कंपनी 2500 से स्टार्टिंग करती है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आपको जब भी मिलेगा तो 2000 दरम से कमती नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में। ये भाई है, इन्हीं से मैं बात किया, ये पाकिस्तान से हैं, ठीक है। इसमें तकरीबन इतनी जेसीबी आपको दिख रही है, इसमें से ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के हैं और कुछ इंडिया के हैं, ठीक है। तो गाइस आप लोगों ने कमेंट्स किया तो मैं सोचा एक वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाऊं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ यहाँ पे काम कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप है, अभी ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं ये छोटी जेसीबी है और ये चैनल वाली है। तो अभी देख रह सकते हैं कि यहाँ पे एक हैमर टाइम रखा है, हमको तो नाम भी पता नहीं है इसका, देखिए कितना बड़ा है। अभी इसका रिपेयरिंग यहाँ पे होगा। आपको छोटी छोटी बसें दिख रही होंगी स्कूल की, और सब कुछ इधर, मतलब बैपकोट भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इधर है बैपकोट, इधर हर टाइप की मशीनें हैं साथ में, ठीक। तो वैसे पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ दुबई कैसा होता है दिन के टाइम में, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस ऐसी गाड़ी होती है जो पिकअप होता है, अपने यहाँ लोग बोलते हैं, देखिए कितना ज़बरदस्त, ऐसी गाड़ियाँ आपको दुबई में हर जगह देखने को मिलेंगी। तो गाइस जेसीबी की सैलरी, पोकलेन ऑपरेटर की सैलरी 2000 से स्टार्टिंग है, 2500-3000 दरम तक है। मैं कई वीडियो में बताया भी हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो गाइस आप लोग वीडियो में देखते होंगे कि दुबई बहुत ही अच्छा है, तो वाकई में अच्छा है, लेकिन तो सिटी में है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो आपको ऐसा ही देखने को पूरा मंजर मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं पूरा,
ये पाकिस्तानी भाई लोग बैठे हैं अपना ताश वोश खेल रहे हैं। तो गाइस ये रियलिटी है दुबई में, ऐसे ही लाइन से जेसीबी खड़ी होती है जो रिपेयर होती है और यहीं से काम करने के लिए जाती है। ये पाकिस्तानी भाई हैं जो अभी ड्यूटी पे जा रहे हैं। ठीक है, वो सामने आपको कॉलेज की बस दिख रही होगी, उसके आगे आपको स्कूल की बस है। ठीक है, जो पीली वाली बस है वो स्कूल की है। तो गाइस अपने जैसे इंडिया में भी होता है स्कूल का बस पीला होता है, वैसे यहाँ पे भी सेम होता है, ऐसा नहीं कोई डिफरेंटिंग नहीं है। और ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, देख सकते हैं पूरा अभी धूप है कितना ज़्यादा, कोई आदमी बाहर भी नहीं दिख रहा है। तो गाइस ये रियलिटी है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग अपने देश में ये काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। जेसीबी का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, पोकलेन का भी होता है, सावल का, डम्फर का, फॉर्कलिफ्ट, बैक पॉट, ठीक है, हर काम यहाँ पे होता है। आप लोग सीख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है और अच्छी यहाँ पे सैलरी मिलती है। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।